टीकाकरण यहाँ रखा गया जिसका नाम दिया गया है रक्षा टीकाकरण, किस तरह देखते हैं कि ये टीकाकरण लोगों के लिए कितना जरूरी है और भाजपा यूथ ने जो आज ऑर्गेनाइज किया? नहीं, ये रक्षा टीकाकरण का बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन लगाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पहले चरण में मुफ्त में जो एजेड लोग हैं जिनको कोमोरबिडिटीज दूसरी तीसरी बीमारी है, ऐसे सारे लोगों को टीकाकरण किया और उसके बाद में 25 और अभी 18 साल तक के लोगों का करने का उन्होंने घोषणा किया। देश के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पहले मुफ्त में देने की बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से हम करेंगे, आप क्यों करते हो, उनको परमिशन दी गई, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया और फिर उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को निवेदन किया कि आप ही करिए और देश के प्रधानमंत्री ने भी 21 तारीख से सबको निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा की है। लेकिन साथ साथ में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी अपील किया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे सारे लोगों ने सामने आकर टीकाकरण करवाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जैसे शहर में महापालिका के माध्यम से जो हुआ वो 23-25% तक हुआ और प्राइवेट पैसे देकर 75% लोगों ने अभी टीकाकरण करवाया है। आज मैं 3 कार्यक्रम में जाने वाला हूँ, युवा मोर्चा के ओर से तेजिंदर तिवाना जी ने 2 कार्यक्रम का आयोजन किया है, मलाड ईस्ट में विनोद सेलार जी ने 1 कार्यक्रम का आयोजन किया है और बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं इस हॉल के मालिक ट्रस्टी जो है जीतू भाई उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने निःशुल्क इतना बड़ा हॉल यहाँ पर उपलब्ध करके दिया है। हम सब लोग मिलकर अगर साथ में करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से ये टीकाकरण का जो अभियान है उसको सफल कर सकते हैं और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से लोगों की सहभागिता मिल रही है, पीएम मोदी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष में बैठे हुए पेट्रोल के दाम और ऐसे सब फ्री वैक्सीनेशन जो नहीं हो रहे हैं अभी वैक्सीन प्लस को, उसके लिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी लोगों के सपोर्ट में नहीं है, लोगों का साथ नहीं, उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर लोगों का साथ नहीं होता तो ये 75% पैसा देकर जो टीकाकरण करवा रहे हैं वो आगे नहीं आते थे, क्योंकि 21 तारीख से तो निःशुल्क होने ही वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, आज यहाँ पर 1000 लोग टीकाकरण करवाने वाले हैं और ये सारे चीज़ों को देखकर जो विपक्ष के लोग हैं महाराष्ट्र में, खास करके शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है क्योंकि मतदाता उनसे नाराज हुए इस खास करके इस अभियान के बारे में। और विपक्ष का काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया है, जनता ने हमको चुनकर दिया है, जनता ने मोदी जी की सरकार फिर एक बार स्थापित की है, 2024 में तीसरी बार करने वाले हैं, इसलिए जनता जो जवाबदारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलकर करते हैं।